मैं भी बनूंगा आईपीएस। बाबू यो तो सपना था ना तेरा मेरा, इक्के अफसर बन के ही लौटूंगा। सरकारी नौकरी एक ऐसा सपना जो हर मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए देखता है और बचपन से उनको सरकारी नौकरी से मिलने वाले फायदे दिखाए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि सरकारी नौकरी ही सबसे बेस्ट है जिसमें उन्हें इज्जत और पैसा दोनों मिलेगा। हमारे भारत में हर जगह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हर साल लाखों बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पर क्यों, ऐसा क्या है जो सरकारी नौकरियों को इतना खास बनाता है जबकि हर साल 99% स्टूडेंट्स यूपीएससी एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं? एक बहुत मिनिमम स्तर का है उसमें, मतलब परसेंटेज 1% भी पूरा सक्सेस रेट नहीं पहुंचता है। आई एम सो सॉरी, नो दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी, मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. क्या कभी सोचा है आपने कि क्यों कुछ सोसाइटी सर्कल्स में सरकारी नौकरियों के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है? इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि क्या सच में सरकारी नौकरियां सक्सेस का गोल्डन टिकट है जैसा उन्हें दिखाया जाता है, या सिर्फ एक ऐसा जाल है जो हर साल लाखों इंडियंस को फंसा लेता है। भारत में सरकारी नौकरियां सिर्फ करियर चॉइस नहीं है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी और सामाजिक प्रतिष्ठा के शिखर के रूप में देखा जाता है। हर साल लाखों कैंडिडेट सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से सिर्फ 1% ही है ऐसे जिन्हें सरकारी नौकरी मिल पाती है। 2023 में लगभग 13 लाख लोगों ने यूपीएससी एग्जाम दिए थे जिसमें से सिर्फ 1016 कैंडिडेट्स ही थे जो सेलेक्ट हुए थे, और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही जाते हैं। इस साल भी यूपीएससी में सिर्फ 1056 वैकेंसीज हैं, लेकिन एग्जाम देने वाले लाखों में। कई भारतीय परिवारों में सरकारी नौकरी पाना एक सिग्निफिकेंट लाइफ अचीवमेंट मानी जाती है जो कि स्टेबिलिटी और सक्सेस को सिंबलाइज करती है। सरकारी नौकरियों के स्टेटस को ऊपर उठाने में कल्चरल फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटी उम्र से ही बच्चों को अक्सर सिविल सेवाओं, रेलवे या सरकारी बैंक जैसे प्रेस्टिजियस जॉब्स को पाने का ड्रीम दिखाया जाता है, और जो बच्चा गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेता है फिर उसकी सक्सेस स्टोरी हर जगह परिवार पड़ोस में सुनाई जाती है कि देखो शर्मा जी के लड़के ने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, सीखो उससे कुछ। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ी अट्रैक्शन उसे मिलने वाली जॉब सिक्योरिटी होती है। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर जॉब जहां पर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कभी भी निकाल सकती है, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबल जॉब है। लोग इसे जॉब फॉर लाइफ भी कहते हैं कि अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जीवन भर के लिए वो जॉब रहेगी। ये जॉब फॉर लाइफ का बिलीफ लोगों के दिमाग में गहराई से समाया हुआ है जिससे ये गवर्नमेंट जॉब्स लोगों के दिमाग में और भी प्रेस्टिजियस बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब से भी आपको निकाला जा सकता है। सरकारी नौकरी को अक्सर सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा जाता है। भारत में अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी और शादियों के लिए रिश्तों की लाइनें लगी रहेंगी। ये सोशल स्टेटस सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, ये एक बिलीफ है जो सरकारी नौकरी की पावर और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट जॉब्स एम्प्लॉयज को कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स और पेंशन दी जाती है जो उन्हें बुढ़ापे तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में हमें देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this wo ekdam incomplete journey hai. We started it and it didn't go anywhere and that is it. हम लोग ऐसे ही मुखर्जी नगर को बोलते हैं कि ये क्या है कि सपनों की नगरी है, और दूसरी बात क्या है, ये जवानी का कब्रिस्तान है। यहाँ आदमी आता है एक 20 से 23 साल में बच्चा और जाता है ज़्यादातर, क्योंकि सफलता का जो रेशियो है बहुत कम है, तो जाता है मतलब 30 से 32 साल में, तो उसके पास उसके ऑप्शन नहीं रहता है। भारत में गवर्नमेंट जॉब्स पाने का रास्ता काफी चैलेंजिंग है क्योंकि जॉब वैकेंसी और उस जॉब को पाने के लिए अप्लाई करने वाले लोगों के बीच में काफी इम्बैलेंस है। हर साल लाखों कैंडिडेट सिर्फ कुछ हजार वैकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना अपने आप में फुल टाइम जॉब की तरह है। कैंडिडेट्स एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं। दिल्ली जैसे शहर जो अपने कोचिंग सेंटर्स के लिए फेमस है, जहाँ हजारों स्टूडेंट्स हर साल आते हैं और अपने गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स की फीस 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की होती है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, रेंट, ये सब मिलकर एक अच्छी खासी रकम बन जाती है जो उनके पेरेंट्स उन पर हर साल खर्च करते हैं। कुछ फैमिलीज तो अपनी सेविंग इसी में लगा देती हैं। वो इसे एक तरह का इन्वेस्टमेंट मानती है जिससे उन्हें उम्मीद होती है कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी पाएगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि इमोशनल कमिटमेंट को भी दिखाता है।
इसी वजह से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं उन पर मानसिक बोझ काफी बढ़ जाता है। लोग पूरे साल तैयारी करते हैं, एग्जाम्स देते हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो फिर से अगले साल एग्जाम देते हैं, लेकिन हर नाकामी के बाद उन पर काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ता है जिससे उन्हें स्ट्रेस और सेल्फ डाउट होता है। उनके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद जब वो फेल हो जाते हैं तो उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी गहरा इम्पैक्ट डालती है। ये इमोशनल स्ट्रेन उनकी फैमिलीज को भी इम्पैक्ट करता है जो अपनी जिंदगी की बाकी फाइनेंशियल प्रायोरिटी को होल्ड पर रखते हैं उनकी पढ़ाई के लिए। सक्सेस के लिए सोशल प्रेशर उन पर साइकोलॉजिकल बर्डन डालता है जिससे कि कई बार वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल खत्म कर दिया था, मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहने के हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा, एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। सरकारी नौकरियों को भारत में काफी ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। आप हर जगह भारत में देखेंगे कि कोई न कोई सरकारी नौकरी के फायदों को गिनाता रहता है या फिर बोलता होगा कि सरकारी नौकरियों के बाद तो लाइफ सेट है, लेकिन वो सब सरकारी नौकरी को पाने के रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को बताना भूल जाते हैं कि उन्हें फेल होने पर कितने मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो उसे जिंदगी भर इसी बोझ के साथ जीना पड़ेगा जहां लोग उसे एक फेलियर समझेंगे और अपनी जिंदगी के 5 से 7 साल देने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ जिसकी वजह से उसे खुद से ही नफरत होने लग जाएगी। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी एक व्हाइट कॉलर जॉब पाने में उसे दिक्कत होगी क्योंकि उसने पूरे टाइम तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी और उसे इस बात का दुख पूरी जिंदगी भर रहेगा कि वो गवर्नमेंट जॉब पाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम में करप्शन, नेपोटिज्म और रिश्वत देकर लोग सरकारी नौकरियां पा लेते हैं जिसकी वजह से जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है उसे जॉब नहीं मिल पाती। इसी करप्शन की वजह से क्वालिफाइड कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाते। गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज पॉलिसी इंप्लीमेंट करने, लॉ को अपहोल्ड करने और सोसाइटी की फंक्शनिंग में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आखिरी में कहूंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का करियर चूज करने का डिसीजन सबका अपना पर्सनल होना चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके अंदर उतना पोटेंशियल है या नहीं, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको ये करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि आपका ये डिसीजन आपकी जिंदगी को काफी इम्पैक्ट करेगा। कोई भी नौकरी बुरी नहीं होती जब तक वो आपकी पसंद की ना हो। इस वीडियो से हम आपको गवर्नमेंट जॉब को पाने के रास्ते में आने वाले चैलेंजेस के बारे में बताना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स बेकार होती हैं। भारत को अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जरूरत है और हमेशा रहेगी। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।